اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل فرجا اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل فرجا اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل فرجا تلاوت قرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم जैसा कि हम सबको मालूम है कि आज सब हम यहाँ इस फर्शे अज़ा पे जमा हुए हैं इसलिए कि हम उस सफ़र को गौर उस सफ़र इमाम हुसैन पे गौर व फिक्र करें कि वक्त के हुज्जत खुदा क्यों उन्होंने इस वाजिब हज को उम्रे में तब्दील करके और दीन की हिफाजत के लिए अपना सफर इख्तियार किया। परवरदिगारे आलम इस जिक्र को इस कोशिश को कबूल फरमाए और हम सब के ईमान में इजाफा करें। तो इसी के साथ के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कैसी कुर्बानियां थीं इस दीन के लिए जिसे परवरदिगार ने पसंद किया वो दीन इस्लाम है। इस इन अल्फाज के साथ कि कश्ती ये हिदायत की तूफान में जब आई चादरे सरे जैनब की इस्लाम के काम आई। वक्त के इमाम के लिए अपनी कुर्बानी दे देना बहुत आसान था लेकिन हम अपनी बहन की चादर राह खुदा में कुर्बान कर देना एक बहुत बड़ा जिहाद एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। लेकिन दीन खुदा को बचाने के लिए इमाम ने सब कुछ कबूल कर लिया। इसी के साथ कि हम अपने वक्त के इमाम के हर हर कदम को पहचाने कि जब दीन को बचाना हो तो हमें कौन सा कदम उठाना चाहिए हमें अपने वक्त के इमाम का साथ कैसे देना चाहिए। और इन्हीं लफ्जों के साथ मैं गुजारिश करूंगी हमारी बहुत ही अजीज जाकिरा डॉक्टर जोया बर्नी से कि वो आए और इसके ऊपर
तराविया जिसके ऊपर उसकी खासियत और इसकी इसको बयान करें हमारे लिए। और मैं कहूँगी कि हम सब सलवात के साथ उनका इस्तकबाल करें। डॉक्टर ज़ाकिरा ज़ोया बर्नी हम को हम सभी जानते हैं कि एक डॉक्टर होते हुए भी उन्होंने दीन के लिए अपनी मोहब्बत, अपना अमल जो जाहिर होता है उनके जिक्र से भी, उनके अमल से भी, तो हम सब उनके ऊपर दरूदो सलाम के साथ उनका इस्तकबाल करते हैं। आए और अपना जिक्र शुरू करें। बिस्मिल्लाह, सलामुअलैकुम ज़ोया। और बहुत शुक्रिया। बस मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि होस्ट मेरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को स्क्रीन शेयरिंग अलाउ कर दें ताकि मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर कर सकूं सबके साथ। किश्वर आंटी, जी आंटी, ज़ोया अहमद जी। आई थिंक फातिमा को बनाना पड़ेगा। फातिमा, कैन यू हियर मी? फातिमा, फातिमा, आवाज आ रही है सबको? जी। मोमिनात, आज हज मुबारक का पहला दिन है जिस दिन सब हुज्जाज अपनी नियत बांध कर अल्लाह के घर का जो ये हज जो इंसान पर मुसलमान पर वाजिब कर दिया गया है टू द हाउस ऑफ गॉड वो शुरू करते हैं कि ये एक ऐसा अमल है जिसको अल्लाह ने वाजिब करार दे दिया गया है। कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस में अगर आप देखेंगे बहुत ही कॉमन ये हज के बारे में उनकी हदीस है कि अगर तुम्हारे पास एक मौका आया एक साल कि जिस पर तुम माली एतबार से जिस्मानी एतबार से सेहत के एतबार से हज कर सकते थे और तुमने वो मौका छोड़ दिया तो मैं नहीं जानता कि तुम काफिर मरे या क्रिश्चियन मरे या ईसाई मरे लेकिन तुम मुसलमान नहीं मरे। यानी हज की ये वैल्यू है और ये पिलर ऑफ इस्लाम में से एक इस्लामिक पिलर है, इस पर यकीन रखना और इस पर अमल करना मुसलमान पर फर्ज है, वाजिब है। तो आगे बढ़ते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम है टू द हाउस ऑफ गॉड। हाउस ऑफ गॉड से मुराद ये है कि मुसलमान उस घर को कि हम उस घर को अल्लाह का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मानते हैं कि यहाँ पर इंसान को जब आना है तो एहतराम के साथ आना है। जब हज या उम्रा की नियत की जाती है तो एहराम बांध कर आना है, यानी पाकीजगी नियत में होनी चाहिए और पाकीजगी लिबास में होनी चाहिए। तो जब 8 ज़िलहिज को इंसान नियत करता है हज करने की तो उस पर जब वो एहराम पहनता है यानी अल्लाह ने जो मक्का का जो एक दायरा बनाया है उसका इतना एहतराम रख दिया कि सिर्फ उस दायरे में एंटर होने के लिए भी अगर हज और उम्रा की नियत है तो उससे कुछ दूरी पर आपको एहराम पहनना होगा, यानी उस पाकीजगी की स्टेट में आना होगा और उस चीज का जो आमाल है चंद आमाल से बचना होगा ताकि उस जगह की उस टाइम और उस स्पेस का एहतराम किया जा सके। एहतराम पर्पस है और हज का जो पर्पस है उसे भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।
तो मोमिनात आज के दिन इंसान नियत करता है कि आगे हमें हज करना है। मीकात पांच जगह है जहां पर डिफरेंट डायरेक्शन से इंसान जहां से आ रहा है, जिस डायरेक्शन में आपके हिसाब से जो मीकात पड़ेगा, काबे के एक डिस्टेंस पे वो बना दिए गए। ना उससे पहले आप अहराम पहन सकते हैं और ना उसके बाद अहराम पहन सकते हैं, उस पॉइंट पर ही आपको अहराम पहनना है। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग मदीने में रह रहे हैं उनके उनके लिए मीकात का नाम है ज़ुल्हुलैफ़ा, ज़ुल्हुलैफ़ा। जो लोग पाकिस्तान, इंडिया, चाइना से जाते हैं, उस मीकात का नाम है यलमलम। तो मसलन हम अगर जाएंगे इंशाल्लाह तो हम मीकात यलमलम पर जाकर चेंज करेंगे अहराम। एक पर्टिकुलर नियत और एक पर्टिकुलर एहतराम और इज्जत के साथ इस चीज को हमें पहनना है, डोन करना है। पहली एक छोटी सी चीज, हज का कॉन्सेप्ट हम अगर समझ लें तो एहराम का कॉन्सेप्ट भी हम समझ जाएंगे। द कॉल टू यूनिटी एंड एम्पैथी, ये इमाम खामिनाई ने बहुत पहले बताया था, 1995 की स्पीचेस में, 2000 की स्पीचेस में उन्होंने ये लोगों को जब बताया था तो उन्होंने कहा द कॉल टू यूनिटी, यानी जब आप सब कुछ अपने डिस्टिंक्टिव कपड़े उतार कर, हम गरीब हैं या अमीर हैं, हम अच्छा पहनते हैं या अच्छा नहीं पहनते हैं, हम परफ्यूम लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, इन सारे दुनियावी बैरियर्स को पार करके एक पाकीजगी के दायरे में जहां इंसान का जहन इंकसारी की तरफ आ सके, उसे अहराम कहते हैं। वो है अहराम की नियत, यानी कि अमीर गरीब और अरब और अजम सब एक हैं। सोचिए आपके कुरान पाक और खुदा वंदे मुताल आपको किस हद तक इंकसार देखना चाहता है कि आप पर हज जैसी चीज वाजिब कर दी है कि जाओ, एक हश्र का मैदान है वहां पर, इतने लोग, भीड़ भाड़, और वहां पर जाकर अल्लाह के घर में इबादत करो, लब्बैक कहो और अपने हैसियत को समझो कि जो जैसा है खुदा की बारगाह में सब एक है। अब एसेंस ऑफ हज हो गया कि अब इसका एसेंस क्या है। मैं बस सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, आपको होस्ट हो गई है, आप शेयर कर सकती हैं अब स्क्रीन अपनी। जस्ट अ मिनट, जी मोमिनात। क्या आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं? जी जी दिखाई दे रही है जी। हाँ, मुझे देख सकते हैं? स्पीकर व्यू तो वी कैन सी यू बोथ। ओके ओके जी। तो अब आते हैं एसेंस ऑफ हज। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, रिटन मैटर इंसान के जहन को ज्यादा जल्दी कैप्चर करता है, इसीलिए moving closer to God in thought and practice and avoiding taghut and shaitan with our spirit is the essence of hajj. yani ki Allah ke nazdeek pahunchne ki ek koshish jise usne hi wajib qarar diya hai, aur taghut yani jo bhi koi bhi ghair e khuda jo hai usse doori ikhtiyar karne ki koshish, ise hum hajj kahenge, ki Allah ke taraf badhna hai, uske nazdeek jana hai. Surah Nahl, ayat number 36. Certainly we raised a messenger in every nation to preach. So worship Allah and shun the taghut. Taghut se murad hai jo bhi ghair khuda hai. Mominat, ye ek choti si information bachchon ke liye ki meeqat kitne tarah ke hain. Zulhulaifa, Juhfa, Dat al-Irq, Qal al-Manazil and Yalamlam. ये पांच मीकात हैं जहां पर लोग को वाजिब है कि हम इसी पॉइंट से अहराम पहने। क्यों, इसका पर्पस क्या है, इसके लिए नियत क्या होनी चाहिए,
कि इंसान को अल्लाह के घर का एहतराम करना है, वो एहतराम उस दायरे से भी पहले होना चाहिए, उस दायरे में एंटर होने से पहले, और ये वाजिब करार दे दिया गया है। अब एहराम पहनते वक्त किस चीज की नियत होनी चाहिए कि हम किस लिए पहन रहे हैं और क्या डूज हैं और क्या डोंट्स हैं। एहराम अगर इन शॉर्ट समझा जाए, पाकीजगी, यानी एहराम एक ऐसी स्टेट है जिसमें कंप्लीट सेक्रेडनेस आ जानी चाहिए और सिर्फ खुदावंद मुताल की बारगाह में हाजिर होने की नियत और जस्तजू। तो ये आयतुल्ला शीस्तानी साहब के अकॉर्डिंग कि वंस एहराम इज वॉर्न 25 थिंग्स बिकम फॉरबिडन, तो वो काम जो हमें नहीं करने चाहिए एहराम एक बार पहन लिया उसके बाद, हंटिंग, सेक्सुअल यूनियन, किसिंग और टचिंग अ वुमन, लुकिंग एट अ वुमन और फ्लर्टिंग विद हर, मास्टरबेटिंग, रिसाइटिंग निकाह, वेयरिंग अ परफ्यूम, वेयरिंग सून क्लोथ्स बाय मेन, वेयरिंग सूरमा, लुकिंग इन द मिरर, वेयरिंग शूज और स्लीपर्स, फसाद करना या फिर क्वारल करना, killing any animal, beautifying yourself, applying oil, removing hair from the body, covering the head for males and dipping one's body for females, and covering the face for females, sheltering in shaded places for males, bleeding one's body, cutting one's nails, extracting tooth or and carrying arms. So ye ek chota sa ek brief description ke hame जब नियत हमने कर ली है तो हमें क्या नहीं करना चाहिए एहराम में। अब आते हैं कि फर्स्ट डे, नियत करने का पहला दिन जिस दिन हज शुरू होता है। हज तीन तरह का होता है, हज तमत्तु, हज इफ़रात और हज क़िरान। तमत्तु के हमसे मुराद है वो लोग जो 48 माइल्स से ज्यादा दूरी पर हैं मक्का के, यानी कि हम जैसे हम हो गए, हम अगर जाएंगे तो हम हज तमत्तो करेंगे, यानी उमरा और हज अलग अलग हुआ करते हैं। पहले उमरा करेंगे, फिर एहराम की स्टेट से बाहर आ सकते हैं, फिर दोबारा हज के लिए एहराम पहना जाता है। हज इफ़राद और हज क़िरान उनके ऑप्शंस हैं जो 48 माइल्स के अंदर अंदर हैं मक्का के दायरे में। When you are on Mina, on the 8th of Zilhijjah, आपकी कुछ responsibilities हैं जो मैंने एक flow chart बनाया है कि हमें एहराम पहनना है, दो रकत नफिल पढ़नी है, नियत करनी है, हज तमत्तो है तो तवाफ काबा है, सही है, और फिर तलबिया हमें frequently पढ़ना है। तलबिया क्या है वो हम बताते हैं, और इसी ऐसे ही फिर हज कंटिन्यू होता है, फिर overnight हमें मीना पे स्टे करना होता है। Women ihram, anything that is modest is an ihram for the woman. It is not necessary to wear any special clothing, but something that conceals the shape of her body. Tawaf, tawaf ke maani hote hain ki aapko 7 chakkar khane kaaba ke lagane hain. Starting point hota hai hajr aswad se. वहां पर ग्रीन लाइट मौजूद होती है जहां पर हज तवाफ शुरू किया जाता है। अल्लाह हू अकबर कहकर नियत बांध कर इंसान तवाफ शुरू करता है, हुज्जाज तवाफ शुरू करते हैं, और तवाफ एंटी क्लॉकवाइज किया जाता है। उसके बाद तवाफ की दो रकत नमाज होती है, सही होती है, जिसमें सफा से मरवा फिर मरवा से सफा 7 बार भागना होता है, और ये हर एक राउंड यानी सही सफा से मरवा आधा किलोमीटर होता है, तो यानी टोटल वॉकिंग डिस्टेंस आपका 3.5 किलोमीटर हो जाता है, और बीच में दो लाइंस हैं जहां पर तेज भागने की ताकीद की गई है। जरूरी नहीं है, वाजिब नहीं है, लेकिन ताकीद की गई है मोमिनात। वो किस लिए? क्योंकि जब जनाब हाजरा सलामुल्लाह अलैहा अपने बच्चे के लिए पानी ढूंढ रही थी, तो वो इस दरमियान जो ग्रीन लाइट का एरिया आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इस दरमियान वो ज्यादा तेज भागी थी, तो इसीलिए हम पर भी ये है कि हम भी इस दरमियान थोड़ा सा तेज चलें।
एक सई यानी सफा और मरवा के दरमियान की कुछ पिक्चर्स है, एक मकाम इब्राहिम की पिक्चर है। इसके बाद आप तवाफुल निसा करते हैं और उसके बाद भी दो रकत नमाज पढ़ी जाती है। कमिंग टू तलबिया, तलबिया एक चंद ऐसे जुमले हैं को कहेंगे जिसे अल्लाह ने इंसान को हज के लिए बनाया है कि फ्रीक्वेंटली जिसे हज के दौरान पढ़ा जाए उसे हम तलबिया कहेंगे। जो हर वक्त तवाफ सही करते वक्त, उठते बैठते वक्त, जब आप एहराम की स्टेज में होंगे, आप इसे फ्रीक्वेंटली ज्यादा से ज्यादा पढ़ते रहिए। कोई स्पेसिफाइड नंबर नहीं है लेकिन ये रिकमेंडेड है जितना ज्यादा इंसान पढ़ सके। मीनिंग लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हमदा वन नअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हियर आई एम ओ लॉर्ड हियर आई एम, लब्बैक ला शरीक लब्बैक लक लब्बैक, तेरा तो कोई शरीक नहीं है, मैं तेरे सामने मौजूद हूँ। इन्नल हमदा वन नअमता, नो डाउट ऑल प्रेज एंड बाउंटीज आर योर्स एंड सो इज द एब्सोल्यूट डोमेन, ला शरीक लक लब्बैक, इंडीड यू हैव नो पार्टनर्स। हज की रूट के किस तरह हज परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले आपने मीकात पर आकर एहराम पहना है, आप मक्का पहुंचते हैं, आप अपना उम्रा या हज शुरू करते हैं, फिर मिना में आपको स्टे करना होता है, फिर अरफात, मुजदलफा, वापस मिना, स्टोन करना होता है आपको शैतान को, जो पत्थर मारे जाते हैं। उसकी नियत भी ये है कि हम अल्लाह की बारगाह में आए हैं, अब हम सारे शैतानी तागूत से पनाह चाहते हैं। वापस मक्का जाते हैं और अपने हम एनिमल सैक्रिफाइस करते हैं, खवातीन बालों को थोड़ा शेव करती हैं, मर्द भी बालों को थोड़ा सा शेव करते हैं। कुछ पिक्चर्स हैं ये मिना की, ये है अरफात का माउंटेन, माउंट ऑफ अरफात। अल्लाहुम्मा सल्ल अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मेरी तरफ से इतना ही है आज, और बस हज का यही मकसद है कि इंसान को इंतसारी इंतसार बना सके, खुदा की बारगाह में हाजिर हो सके, एक वाजिब अमल को पूरा कर सके और ये समझ सके कि हम में ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, हसब नसब से, खानदान से, ना कोई अमीर है ना गरीब है, क्योंकि हम खुदा की बारगाह में जब उठाए जाएंगे तो हम सब एक तरह उठाए जाएंगे। वास्सलाम, दुआओं में याद रखिएगा। सुभान अल्लाह, आपके स्क्रीन शेयर प्लीज स्टॉप कर दीजिएगा। बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन डॉक्टर जोया, और परवरदिगार आलम आपके फर्ज को कबूल फरमाएं, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह रब्बुल इज्जत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में अगले साल आपको ज़रूर हाजियों में शुमार करे इंशाल्लाह परवरदिगार। और बहुत अच्छा, बस परवरदिगार अजर अज़ीम अदा करे डॉक्टर जोया, बहुत बहुत ही बेहतरीन है फर्ज। और इसी के साथ के आका हुसैन का सफ़र है, और आज का ये दिन जो आका हुसैन के उनकी हर अमल को हमें एक पैगाम दे रहा है, और उस अमल को समझने के लिए आका हुसैन के हर उठे हुए कदम की इताअत करने के लिए हमें भी समझना होगा कि हमें अपने दीन के लिए क्या करना है। तो जिस तरह हम कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो हमारे वक्त के इमाम भी यही चाहते हैं कि जब मेरा जहूर हो तो तुम भी कहो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, कि उनका बुलाना भी, उनके पास पहुंचना भी हमारा वो लब्बैक होना चाहिए। और इसी के साथ मैं बहुत ही मेरी अजीज जाकिरा आसिमा जैनब से गुजारिश करूंगी कि वो आएं और आगे के इमाम की इस सफर पे रोशनी डालें। और आप सब बहुत ही अच्छे से जानती हैं
के डॉक्टर के जाकिरा आसिमा जैनब साहिबा एक बेहतरीन जाकिरा हैं और एक बेहतरीन इंसान है, और जिनकी मोहब्बत, जिनकी हर उनका अमल सब उनके जिक्र से और उनकी जो दीन के लिए मोहब्बत है वो उनके जिक्र से हम हमारे सामने आती रहती है। जज़ाकअल्लाह, और दरूद व सलाम के साथ आप सब उनका इस्तकबाल करें। इतना बेहतरीन तारुफ़ खुदा मुझे इसका मुस्तहक़ करार दे और मेरी तौफीक़ करे और मैं वाकई मुस्तहक़ बन जाऊँ जितनी आपने मेरी है, बगैर वक्त ज़ाया किए ताकि हम वक्त के दायरे के अंदर अपने प्रोग्राम को ख़त्म कर सकें और तमाम जिक्र हो सके। इसलिए बहुत ज़्यादा तमहीद मांगे बगैर आपकी खिदमत में चंद बातें मुझे पेश करनी हैं। सबसे पहले मैं तो डॉक्टर ज़ोया का शुक्रिया करना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत प्यारे अंदाज में और बहुत ही प्रसाइज, बहुत ही कंसाइज, बहुत ही अच्छे तरीके से हमें हज के उमूर को सिखा दिया और बता दिया, और काफ़ी मैं तो ये भी कहूँगी कि उर्दू पे इसको शेयर करें ताकि जो लोग अगली बार हज पे जाएं वो एक मरतबा उसको देख लें और उनको समझने में इंशाल्लाह आसानी होगी। मेरा टॉपिक ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हज को उम्रे में तब्दील करके मक्के से निकल के जाना कि क्या अहमियत रखता है तारीख में, और इसके अलावा ज़िंदगी में यानी इस्लाम की पॉलिटिकल एरिया में इसकी क्या अहमियत है और इसकी क्या अज़मत है, इसकी चंद चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करना है। इमाम उस वक्त मक्के को छोड़कर रवाना हो रहे थे, जैसा कि अभी आपने देखा आपको जो हज के उमूर बताए गए कि इस वक्त लोग मीना की जानिब जा रहे होंगे मक्के में, और उस वक्त इमाम हुसैन अपने हज को उम्रे में तब्दील करके और मक्के को छोड़कर बाहर मक्के की बाहर की जानिब जा रहे हैं, यानी जिस वक्त सारी दुनिया मक्के की तरफ मुड़ रही है इमाम हुसैन खाने काबा को छोड़कर खाने काबा से दूर जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इमाम हुसैन के इस कदम का कोई मकसद होगा, इमाम हुसैन के इस कदम की कोई वजह होगी। आप चाहते तो दो चार दिन मुलतवी करके चले जाते, हज मुकम्मल कर लेते, हज पूरा हो जाता और उसके बाद चले जाते। क्या जरूरत थी कि इमाम हुसैन ने हज को मुकम्मल नहीं किया और हज को उम्रे में तब्दील फरमा कर और मक्के को अलविदा कह दिया? तो ये हमारे लिए लम्हे फिक्र है कि इमाम हुसैन ने ऐसा क्यों किया। सबसे पहली वजह जो थी वो इमाम हुसैन ने खाने काबा की हुरमत को बचाने के लिए ऐसा किया। आपको जानकर यकीनन आप लोगों में से बहुत से लोग इस बात से वाकिफ भी होंगे कि इमाम हुसैन को कत्ल करने के लिए इमाम हुसैन को, यानी इमाम हुसैन इरशाद फरमाते हैं कि अगर मैं किसी होल में भी जाकर छुप जाऊं तो ये मुझे ढूंढ कर निकाल कर कत्ल करेंगे। तो इमाम हुसैन जानते थे कि आपको शहीद किया जाएगा। आपको खबर मिली थी कि लोग हाजियों के भेस में, और उससे पहले भी एक यजीद का सिपह सालार कुछ महीनों से आके रुका हुआ था और मक्के में और अपने साथियों के साथ वहां पे मौजूद था, जो इमाम हुसैन की तमाम हरकत और सकनात पर उसकी नजर थी कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो वो मुस्तकिल उन पर नजर रखे हुए था। इमाम हुसैन को इस बात की खबर थी कि लोग हाजियों के भेस में आ रहे हैं और आपको कत्ल करना चाहते हैं। इमाम हुसैन ने कहा कि मैं इस बात को बेहतर समझता हूँ कि मैं मक्के के हुदूद से एक बालिश बाहर कत्ल किया जाऊं बनिस्बत इसके कि एक बालिश मक्के के हुदूद में कत्ल किया जाऊं। क्या हालात होते अगर इमाम हुसैन, आप तसव्वुर करें कि इमाम हुसैन अगर खाने काबा के अंदर अतराफ में शहीद कर दिए जाते तो कयामत काबे की हुरमत हमेशा के लिए पामाल हो जाती। जहां एक मच्छर तक को इंसान नहीं मार सकता, वहां पर उस वक्त का जो इमाम वक्त था उसको कत्ल कर दिया गया, कितनी बड़ी बात हो जाती। तो इमाम हुसैन ने हज को तर्क करना गवारा किया, लेकिन काबे की हुरमत को जाया होना ये इमाम हुसैन ने गवारा नहीं किया। तो पहली वजह ये थी कि खाने काबा की हुरमत को बचाना था। दूसरी बात बहुत अहम पॉइंट है, वो है हुकूमत को बेनकाब करना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को
हुकूमत को बेनकाब करना था। जिस वक्त आपने कहा खाने काबा जब आप छोड़ के जा रहे थे तो आपने उसकी वजूहात बयान की, आपने खुतबा दिया और पूरी वजूहात बयान की कि आप क्यों खाने काबा को छोड़कर जा रहे हैं। आप देखें कि मौलाए कायनात की जिस वक्त शहादत हुई और उसके बाद जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिया गया तो ये सारा ब्लेम जो था जो हकीकी मुजरिम थे उन तक नहीं पहुंचा, बल्कि ये कहा गया कि खारिजी था इब्ने मुलजिम नाम का, उसने यकीनन जरबत उसी ने लगाई लेकिन उसके पीछे बड़े मजबूत हाथ थे, वो जिन्होंने तलवार फराहम की, वो जिन्होंने जहर फराहम किया जिसमें तलवार बुझी हुई थी उसके पीछे बड़े मजबूत हाथ थे। तो जाहिर सी बात है वो नाम इसमें शामिल नहीं हो सके, नाम सिर्फ इब्ने मुलजिम का आ गया और ये हुआ कि खवारिज ने ऐसा किया। उसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत की सारी जिम्मेदारी उनकी जौजा जोदा बिनते अशस पे आ गई, जबकि जोदा तक उतना कारी इतना शदीद जहर पहुंचाया किसने, इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन उसके बाद नहीं की गई, उसके बाद कोई पकड़ने की कोशिश नहीं की गई कि आखिर उसने किन वजूहात पर इमाम हसन को जहर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खाने काबा को छोड़कर लोगों के ऊपर ये जाहिर कर दिया कि मैं अगर यहाँ रुकूंगा तो मुझे ये यहाँ कत्ल कर देंगे। इसका मतलब कि हुकूमत के खिलाफ आपने आवाज उठाई, हुकूमत को बेनकाब किया, ये बताया कि ये जायज हुकूमत नहीं है, ये नाजायज हुकूमत है और अगर मैं यहाँ रुक जाऊं तो भी ये इतने हकीर और जलील हैं कि मुझे खाने काबा के अतराफ में भी कत्ल कर देंगे। इमाम हुसैन नवासे रसूल को खाने काबा के अतराफ में कत्ल कर देंगे। तो आपने लोगों को इस बात से आगाह कर दिया, हुकूमत से आपने बेजारी का इजहार कर दिया। तीसरी चीज ये कि लोगों को अपने मिशन से आगाह किया। जब आपने वहां खुतबा, आप जितने दिन वहां रहे, जितने मुद्दत आप वहां रहे, उसके बाद जब आप खाने काबा से रुखसत होने लगे उस वक्त भी आपने जो खुतबा दिया उसमें आपने अपने मकसद, अपने मिशन, आपने जब मदीने से निकल रहे थे तो आपने ये बात कही थी कि मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ, फी इस्लाह उम्मत जद्दी, मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए बाहर जा रहा हूँ। बहुत ही वाजे तौर से आपने अपने बाहर जाने की वजह बता दी। तो इमाम हुसैन ने हर मौके पर अपने मिशन से लोगों को आगाह किया। और एक बहुत अहम चीज, जब आप सोचिए, आप गौर कीजिए कि उस वक्त खाने काबा के अतराफ में सबसे प्रोमिनेंट पोजीशन जो थी, जो सबसे अहम हस्ती थी, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की थी। सारी दुनिया जब खाने काबा में आ रही है और वहां कोई बहुत ही बुलंद हस्ती जो बहुत ही पॉपुलर हो, बहुत ही फेमस हो, जिसको सब लोग जानते हो, वो खाने काबा को छोड़कर जा रही है, आप सोचिए कि सब क्या होगा। आपस में गुफ्तगु शुरू हो जाएगी, सब लोग अरे वो देखो देखो देखा हुसैन जा रहे हैं, अरे वो हज नहीं कर रहे, क्या हुआ क्यों हज नहीं कर रहे, अच्छा उन्होंने ये बात बताई कि वो इसलिए हज नहीं कर रहे हैं, अच्छा अच्छा तो जो दोस्त हैं, दुश्मन हैं, करीबी हैं, दूर के हैं, सब में गुफ्तगु हुई, सबको इमाम हुसैन का ये पता चला कि वो हज छोड़कर जा रहे हैं। भाई तकरीबन 4 महीने के नजदीक इमाम हुसैन खाने काबा में, तो लोगों को पता है कि इमाम हुसैन मक्के में मौजूद हैं, अब एकदम से छोड़ के जा रहे हैं, तो लोगों में चीमीगुइयां हुई, बातचीत हुई, गॉसिप हो रही है कि भाई क्या बात है। और उसके बाद जब हज से लोग वापस अपने अपने घरों में, जाहिर सी बात है हर मुल्क के हर जगह के लोग वहां मौजूद थे, तो जब जाने लगे तो जब वो अपने अपने घरों में गए तो क्या होता है, दुश्मन का तरीका ये क्या है, हर जालिम का, आज की जालिम हुकूमतों को भी देख लीजिए कि वो अपनी हर बुराई पे पर्दा डालते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि उन्होंने क्या किया है। उस वक्त भी हुकूमत अपनी हर बुराई पे पर्दा डालना चाहती थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने इस कदम से ये खबर दोस्त और दुश्मन हर घर में पहुंचा दी। जो जो हज करके जा रहा था वापस, वो अपने घर में ये खबर दे रहा था, मालूम है फर्जंद रसूल ने इस साल हज नहीं किया, हज को उम्रे से तब्दील करके चले गए। यानी हर जहन में क्यूरोसिटी डाल दी कि क्यों इमाम हुसैन ने हज को तर्क कर दिया, क्या वजह है कि इमाम हुसैन चले। तो आपने अपने मिशन को, अपनी बात को, अपने जो आपका कदम था उसको सब तक पहुंचा दिया, लोगों तक पहुंचा दिया, घर घर तक इमाम ने अपने पैगाम को पहुंचा दिया। और एक बहुत अहम बात इमाम हुसैन ने अपने इस कदम से बताई कि इबादत शऊर के साथ अहमियत रखती है, इबादत बेशऊरी के साथ कोई अहमियत नहीं रखती है। यानी कितने लोग हैं उस वक्त जो आप देखे कि हज करने आए हैं, उमरा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सारी चीजें करते चले जा रहे हैं, लेकिन जो हक है उसको नहीं पहचान रहे हैं,
किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि तवाफ़े काबा में मशगूल रह गए हाजी, तवाफ़े काबा में मशगूल रह गए हाजी, बहुत करीब से गुजरी निजात की कश्ती, यानी निजात की कश्ती उनके पास से गुजर गई और उन्हें मालूम भी नहीं हुआ। यानी आप हज कर रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं, एक जालिम और जाबिर आपके दीन को तबाह बर्बाद कर रहा है, दीन को तब्दील कर रहा है, उसके अंदर तब्दीलियां ला रहा है, शराबी है, जुआरी है, बदकार है, सब कुछ है, वो खलीफतुल मुस्लिमीन बन के बैठ गया है, आप खाली अल्लाहु 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 तस्बीह पढ़ रहे हैं, यानी बेशऊरी के आलम है, यानी वो वाली तस्बीह साला 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 साला, क्या फायदा हुआ? कुछ भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जब तक हमने उसको दर्क नहीं किया, उसको समझा नहीं, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो उस वक्त भी यानी इमाम हुसैन ने सोए हुए जहनों को जगाने की कोशिश की कि इबादत को शऊर के साथ करें, और आज तक के लिए ये पैगाम दे दिया। यानी तुम फर्श अजाए इमाम हुसैन पर अगर आते हो तो बाशऊर होकर आओ, मकसदे इमाम हुसैन को समझो। इसका कोई फायदा नहीं, मतलब बहुत माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ, और मेरा किसी चीज को डिमीज या डिग्रेड करना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन अगर हम मजलिसे अजा बर्पा कर रहे हैं लेकिन हम बेनमाजी हैं, अगर हम तबर्रुक बांट रहे हैं मगर इसलिए कि लोग कहें कि हम कितना अच्छा तबर्रुक बांटते हैं, मजलिस कितनी ज्यादा लोग हमारी मजलिस में आते हैं, कितना शोर हुआ, कितनी सलवात, कितनी वाह वाह, तो हमने मजलिस के तमाम एसेंस को छोड़ दिया, हमने अपने मकसद को खो दिया। क्योंकि इमाम हुसैन को तो तन्हा बैठ कर अगर एक आंसू आंख से टपक जाए मोहब्बत में, इश्क हुसैन में एक कतरा आंसू टपक जाए, इमाम हुसैन को किसी आंसुओं के समंदर की जरूरत नहीं। अगर आपको इसका टक्कर मिल जाएगा तो मुझे बता देना, ठीक है? ये क्या हो गया? आसिमा आपका डिस्कनेक्ट हो गई आप। आसिमा हेलो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी आप शुरू करें। माफ कीजिएगा, वो मेरा पावर कट हो गया था इसलिए मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो हमने देखा कि इमाम हुसैन ने हमें ये जाहिर किया हमारे ऊपर कि उस वक्त इमाम हुसैन ने प्रायोरिटीज को सेट कर दिया कि बाशऊर इबादत की जरूरत है। यानी वो सारे मुसलमान वहां पर खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, मिना जा रहे थे, मुस्तलिफा जा रहे थे, और इमाम हुसैन उस सब को छोड़कर जो उस वक्त का तागूत था, उस वक्त का जो जालिम था, उसके मुखालिफ खड़े होकर बता रहे थे कि कभी कभी कुछ आमाल को छोड़ देना जरूरी होता है दीन को बचा लेने के लिए। उस वक्त अगर इमाम हुसैन हज करते और खाने काबा के अतराफ में शहीद हो जाते तो हुरमत काबा भी जाया होती, इमाम हुसैन शहीद भी होते, कभी आपके कातिल का पता ना चल पाता कि किसने आपको कत्ल कर दिया, हाजियों के भेस में कौन आया और आपको मार के चला गया, और कयामत तक के लिए बात वाजे ना हो पाती, हम चिल्लाते रहते। आज जब यजीद इतना वाजह कातिल है, इतना वाजह कातिल है, सामने है लोगों के, उसके बावजूद ऐसे लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं कि यजीद रजी अल्लाह अनहु है, माजल्ला नाउजु बिल्ला, और उसको रजी अल्लाह अनु कहते हैं, और कहते हैं खुदा चाहे तो माफ कर सकता है। तो अगर इमाम हुसैन खाने काबा के अतराफ में शहीद हो जाते तो हम किस तरह से साबित करते कि यजीद ही कातिल है, जबकि वो कातिल इमाम हुसैन है। और अपनी शहादत को, आखिरी पॉइंट आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ, कि अपनी शहादत को ता कयामे कयामत बाकी रखा, यानी आपने अपनी शहादत को इस अंदाज में पेश किया कि अब कयामत तक आपके कातिल का नाम छुप नहीं सकता, उसे बेनकाब कर दिया, अपना मकसद दुनिया के सामने जाहिर कर दिया, और करबला जैसी कोई वाकया नहीं जो दुनिया में इस जोर शोर से याद किया जाता हो कि जिसे चाहने वाले भी याद करते हैं, जो आपको नहीं मानते वो भी याद करते हैं। करबला का जिक्र ऐसा जिक्र है कि चाहे मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, हर इंसान उससे
अपना एक कनेक्शन फील करता है, उससे मोहब्बत फील करता है, और आज भी आशिकान इमाम हुसैन की नॉन मुस्लिम्स में भी कोई कमी नहीं पाई जाती है। यानी हम मुसलमान और हम शिया तो आपसे मोहब्बत करते ही करते हैं, लेकिन नॉन मुस्लिम्स भी आपसे इंतहाई दर्जे की मोहब्बत और अकीदत रखते हैं। तो हम यानी मैं अपनी बात को बिल्कुल समेटती हूँ क्योंकि मेरा वक्त खत्म हो गया, कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने हज को उम्रे से तब्दील करके और आप जो यहाँ से चले गए, इस सफर का क्या फायदा हुआ, क्या मकसद था? पहला तो ये कि काबे की हुरमत को आपने बचा लिया, दूसरा ये कि आपने हुकूमत को बेनकाब कर दिया, तीसरा ये कि लोगों को आपने अपने मिशन से आगाह कर दिया कि आप किस मकसद के लिए निकल रहे हैं, चौथा ये कि घर घर तक आपने अपने पैगाम को पहुंचा दिया, पांचवा ये आपने ये बता दिया कि इबादत को उसके शऊर के साथ करना है आज तक के लिए, हमेशा कयामत तक के लिए, कि इबादत को अपनी आदत मत बनाओ, इबादत रोजमर्रा के काम की तरह नहीं है बल्कि उसमें शऊर की जरूरत है, और अपनी शहादत को कयामत तक बाकी रखने का आपने इंतजाम कर दिया, और आज भी आपकी कयामत तक आपका बाकी रहेगा आपका जिक्र, आपकी शहादत। बस मैं इस जिक्र के साथ अपने बात को समेटती हूँ और खुदावंद करीम से दुआ करती हूँ कि हमें भी इमाम हुसैन के सच्चे पैरोकारों में शुमार करे, इसलिए कि उस वक्त भी लोग मुसलमान नाम के तो बहुत थे जो तवाफ काबा कर रहे थे, लेकिन उनके अंदर इस्लाम सरायत नहीं हुआ था, उनके दिलों में इस्लाम सरायत नहीं हुआ था, इसीलिए निजात की कश्ती उनके करीब से चली गई और उस निजात की कश्ती में वो सवार ना हो सके, हम इस निजात की कश्ती में सवार हो सके। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जज़ाकल्लाह खैर खैरुन कसीरा, सुभान अल्लाह, बहुत बेहतरीन बयान माशाल्लाह, और आपने इतने खूबसूरती के साथ इतने आसान लफ्जों में मौला के हर मकसद को बयान कर दिया, और हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है आज के जमाने को देखते हुए कि हमें वो करना है जो हमारे वक्त का इमाम चाहता है। सुभान अल्लाह, परवरदिगार आलम आपकी इस कोशिश को कबूल करे, परवरदिगार आलम आपके इस बयान को कबूल करे आसिमा, और परवरदिगार अगले साल आपको हाजियों में शुमार करे, परवरदिगार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वो रोज़े अरफा का वक्त, परवरदिगार हम सबको आका हुसैन के रोज़े में पहुंचा दे, कि वो दिन है जिसकी अजमत का अंदाज़ा शायद हम लोगों को नहीं है। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह आसिमा बहन, बहुत अच्छा माशाल्लाह। और इसी के साथ के मर्जी माबूद है मर्जी तुम्हारी ऐ हुसैन, जुस तुम्हारे ये मेरी बिगड़ी बना सकता है कौन, अपने गम हम भूल जाएंगे गुजरते वक्त में, पर तुम्हारा गम मेरे मौला भुला सकता है कौन, हमारी जाने फिदा हो जाए हमारे आका के ऊपर। और इसी के साथ मैं अपनी बहुत ही अजीज खौहर समीना मुर्तजा साहिबा से गुजारिश करूंगी कि वो बारगाह शहजादी कौनैन में, बारगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में अपना सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, बिस्मिल्लाह। सलामी चश्म से रहे रहे के खूने दिल टपकता है, सलामी चश्म से रहे रहे के खूने दिल टपकता है, गमे सजाद बेकस दिल में कांटा सा खटकता है, हरम रोए कहा जब
आसमां को देख कर शैने हरम रोए कहा जब आसमां को देख कर शैने अली अकबर अज़ादो सुबह का तारा चमकता है कहा सुगरा ने शायद मेरे बाबा जान प्यासे है कहा सुगरा ने शायद मेरे बाबा जान प्यासे है गले में सातवीता रीख से पानी अटकता है अली अकबर तलब करते हैं रुखसत कोई क्या जाने अली अकबर तलब करते हैं रुखसत कोई क्या जाने लगी है माँ को हिचकी गम से और ज़ैनब को सकता है कहा बानों ने शे से तीर चलते हैं कलेजे पर कहा बानों ने शे से तीर चलते हैं कलेजे पर मेरा मुंह जब ये बचा नरगिसी आँखों से तकता है बचा लो वास्ता जहरा का साहब मेरे असगर को बचा लो वास्ता जहरा का साहब मेरे असगर को न बच्चा दूध पीता है नब आँखें झपकता है जमीने करबला पर फातिमा के फूल बिखरे हैं जमीने करबला पर फातिमा के फूल बिखरे हैं और शहीदों की ये खुशबू है कि सब जंगल महकता है
सलामी चश्म से रहे रहे के खूने दिल टपकता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व सुभान अल्लाह। जज़ाकअल्लाह समीना बहन, बहुत पुरदर्द आपने सलाम पेश किया बीबी की बारगाह में, बीबी कबूल फरमाएं और अब अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि आपका नाम भी हाजियों में शुमार हो इंशाल्लाह अगले साल। और आप सब हम लोगों के लिए भी दुआ करें कि इस कोशिश में कि न जाने किसकी दुआ किसके लिए मुस्तजाब हो जाए। और बस किसने नहीं पहचाना आका हुसैन को, जिसको कांधे पे पयंबर ने उठाया वो हुसैन, जो नबी के सीने अतहर पे सोया वो हुसैन, जिसको चक्की पीस कर जहरा ने पाला वो हुसैन, जिसको उम्मत ने नबी की कुछ न समझा वो हुसैन, हाय सन 61 में वो मजलूम जो मारा गया, हाय सन 61 में वो मजलूम जो मारा गया, था मुसलमानों नवासा बानी इस्लाम का। और मैं मेरी बहुत अजीज बहन जाकिरा सोसन फातिमा साहब से गुजारिश करूंगी कि वो आए और आज के खास दिन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वो फजाइल और मसाइब बयान करें। और ये टेक्नोलॉजी का ये परवरदिगार आलम की तरफ से ये इंतजाम है कि परवरदिगार ने हम सब को पूरे वर्ल्ड को एक साथ जोड़ दिया है और आज वो बॉम्बे मुंबई से हमें ज्वाइन कर रही हैं और उनका जिक्र उनका बयान हम सुन पा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार आलम कबूल फरमाए हमारी खाहर जाकिरा सोसन फातिमा साहिबा, आप हमें ज्वाइन करें और हम मैं गुजारिश करूंगी कि हम सब उन सलवात के साथ उनका इस्तकबाल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अजल फरजहुम। बहुत शुक्रिया हिना साहिबा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईन रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा कुन ले वलीकल हुज्जत इब्न हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहिस साअते व फी कुल्ले साअ वलियम व हाफिज़म व क़ायदा व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्के नहु अर्रका तवआ व तुमत अओ फीहा तवीला। रब्बिश रहली सदरी व यस्तिरली अम्री वाहलुल उग्दतमिल लिसानी यफ़कहु कौली। क़ारान अज़ीज़ सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मक्के के हालात बहुत सख्त है, कुछ लोग यजीद को अपना खलीफा बनाना चाह रहे थे। अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर की ये कोशिश थी कि लोग मुझे खलीफा बनाए और कुछ लोगों की ये कोशिश थी कि इमाम हुसैन ही हमारे इमाम रहे, हालांकि इमाम तो उनके इमाम थे ही सही। और तारीख ये बतलाती है कि यजीद ने खुफिया तौर पे 3 ग्रुप्स को डिस्पैच किया था और ये तीनों ग्रुप एक दूसरे से बाखबर थे, यानी इन्हें एक दूसरे के बारे में कुछ भी इत्तला नहीं थी। पहले ग्रुप को ये हुक्म दिया कि तुम इमाम हुसैन को जाकर शहीद कर दो, और जो दूसरा ग्रुप था उनको अलहदा से ये हुक्म दिया गया कि जिन लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया है तुम उन लोगों को जाकर शहीद कर दो, ताकि इमाम के कत्ल का किसी को कोई सबूत नहीं मिले। और तीसरे गिरोह को ये हुक्म दिया गया कि तुम पूरे मक्का में जाकर ये खबर फैला दो कि क्योंकि इमाम हुसैन शहीद किए गए अब हज नहीं होगा। और जैसे कि मेरी मोहतरम ख्वाहर जाकिरा आसिमा साहिबा ने बयान किया है कि मौला ने अपने हज को उम्रा में तब्दील किया और फिर मौला ने मक्का छोड़ा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर उमर साद को ये खबर मिली कि मौला ने मक्का छोड़ दिया है
तो उसने अपने भाई याहया अपने साथ को खत लिखा कि जाओ तुम अपने साथियों के हमरा जाओ और इमाम हुसैन को कूफा जाने से रोको। लिहाजा याहया इब्ने साद अपने साथियों के साथ इमाम की खिदमत में आया और इमाम से आकर उसने ये कहा कि ए हुसैन, आप खुदा से डरते नहीं, आप वापस लौट जाइए। इमाम हुसैन ने वापस लौटना कबूल नहीं किया। आर्ग्यूमेंट और ज़्यादा बढ़ा और फिर दोनों ग्रुप के दरमियान नेज़े चलने लगे और आखिरकार याहया इब्ने साद को शिकस्त हुई और वो वापस हो गया। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मंजिल तनईम पे पहुँचे हैं और यहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की मुलाकात यमन के काफ़िले वालों के साथ हुई है। पर हम जानते हैं ख्वारान अज़ीज़ कि आज भी यमन में बहुत से शिया हैं। परवरदिगारा तमाम शियान हैदर कर्रार को अपनी हिफ्ज़ अमाम फरमातू। उस वक्त जब ये काफ़िला इमाम हुसैन से मिला है, उस वक्त भी यमन में बहुत से शिया थे, मोहिब अहले बैत थे और तारीख़ ये गवाह है कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद लानतुल्लाह अलैह को यमन भेजा है ताकि वो दीन इस्लाम की तबलीग करे, 6 महीने तक खालिद बिन वलीद यमन में रहा लेकिन किसी एक को भी वो कन्वर्ट नहीं कर पाया। उसके बाद रसूल खुदा और तारीख यही बतलाती है। आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी हाँ बिल्कुल। आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जी हाँ आ रही है आ रही है आवाज़। सोजन मौला अली जब हमदान गए हैं, यमन के एक इलाके में गए हैं, एक ही दिन में मौला अली ने वहाँ के तमाम लोगों को दीन इस्लाम की तरफ माइल कर लिया और लोगों ने दीन इस्लाम को कबूल कर लिया है। लिहाजा जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुलाकात इन यमन के काफिले वालों से हुई है तो इमाम ने इन लोगों से कहा कि हम तुम्हारे कुछ ऊँट किराए पर लेना चाहते हैं, आया तुम तुम्हारे ऊँट हमें किराए पर दोगे? लोगों ने मंजूर कर लिया और फिर इमाम ने दूसरी पेशकश इनके सामने की है कि हम कूफे की जानिब जा रहे हैं, तुम में से अगर कोई हमारे हमरा होना चाहे तो हमारे साथ हो सकता है। सफ़र के दौरान हम तुम्हें अच्छी अच्छी बातें कहेंगे और बीच सफ़र में अगर कोई इस सफ़र को तर्क करना चाहे तो सफ़र को छोड़ सकता है, हमारा साथ छोड़ सकता है और जितना सफ़र तुमने हमारे साथ तय किया है उस सफ़र की उजरत हम तुम्हें देंगे। बहुत से लोग इमाम हुसैन के हमरा हो लिए लेकिन कुछ लोगों ने इमाम हुसैन का साथ नहीं दिया। ये तनीम वो जगह है कि जहाँ पर मस्जिद तनीम भी है और मस्जिद आयशा भी कहा जाता है और ये वो जगह है कि ताइफ से आने वाले लोग या फिर मक्के से जाने वाले लोग जो उमरा के लिए जाते हैं वो इसी जगह पर अपना एहराम बांधते हैं। उसके बाद इमाम मंजिल सफ़ा पर आए हैं और जब इमाम हुसैन मंजिल सफ़ा पर पहुँचे हैं तो आपकी मुलाकात फर्जक शायर से हुई है जो मोहिब अहले बैत हैं। और फर्जक शायर के बारे में ये कहा जाता है कि जब वो छोटे थे वो शायरी में बहुत ज़्यादा ही माहिर थे। उनके वालिद उनको लेकर इमाम अली की खिदमत में गए हैं तो उस वक्त मौला तो जानते हैं लेकिन फिर भी फर्जक के वालिद से मौला ने ये पूछा कि तुम्हारा बेटा क्या करता है? वालिद ने कहा मौला मेरा बेटा शायर है। तो इमाम अली ने फरमाया कि तुम अपने बेटे को तिलावत कुरान सिखाओ क्योंकि ये शायरी से ज़्यादा बेहतर है। और फिर उसके बाद फर्जक के वालिद ने अपने बेटे को कुरान की तालीम दी है और फर्जक इतने बड़े शायर बने हैं कि जब चौथे इमाम का ज़माना आया है और एक तरफ चौथे इमाम है और दूसरी तरफ हिशाम है लेकिन निडर होकर फर्जक ने मौला सज्जाद की मदे में बहुत सारे अशार कहे हैं। तो ये फर्जक कहता है कि जब मैं हज के दौरान में जा रहा था और मैं अपनी वालदा के हमरा था, मेरी मुलाकात इमाम से हुई है सफ़ा मकाम पर। मैंने हज के बहुत से मसाइल मौला से दरियाफ़ किए और फिर मौला ने उन मसाइल का जवाब दिया है। मैंने कहा मौला क्या सबब है कि आप हज को तर्क करके जा रहे हैं? जैसी मौला ने ये सुना है मौला की आंखों में आंसू आ गए और इमाम हुसैन ने फर्जक से ये कहा कि तुझे क्या मालूम अगर मैं मक्के से बाहर आने में उजलत न करता अशरार गिरोह मुझे गिरफ्तार कर लेते।
फरजा कहते हैं इसके आगे मैंने इमाम से कुछ नहीं पूछा, लेकिन इमाम ने मुझसे ये पूछा कि ए फरजख, लोग हमारे पीछे क्या कहते हैं? फरजख ने कहा, मौला, लोगों के दिल आपकी मोहब्बत से लबरेज हैं, लेकिन उनकी तलवारें बनी उमैया के साथ हैं। यानी फरजख ने इस बात का इशारा किया है कि लोग बनी उमैया के साथ हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि मौला आगे रवाना होते हैं और कई मंजिलों को तय करते हैं, और एक मंजिल आती है जो है मंजिल अतीक। ये अतीक एक जगह है जहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुछ वक्त के लिए क़याम किया है। और जब जनाब अब्दुल्ला, जो जनाब ज़ैनब के शौहर हैं, उन्हें ये खबर मिली कि इमाम हुसैन ने मक्के को छोड़ दिया है और अतीक मकाम की जगह पर इमाम आए हैं, तो उन्होंने अपने दोनों बेटे औनो मोहम्मद को भेजा है। पहले वो खुद नहीं आए हैं, लेकिन अपने बेटे औनो मोहम्मद को भेजा है और एक खत लिखकर भेजा है। और ये खत लेकर औनो मोहम्मद इमाम हुसैन की खिदमत में आए। इमाम हुसैन ने वो खत को खोला है और उस खत में ये लिखा था, जनाब अब्दुल्ला ने इमाम हुसैन को ये खत लिखा था कि मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ, बराए खुदा मेरा खत पढ़ते ही आप पलट आइए। मुझे खौफ है कि आपके और आपके अहलो अयाल इस सफर में खत्म न किए जाएं। आप न होंगे तो रोए जमीन पर नूरे खुदा जाता रहेगा। आप ही इस वक्त के पुश्ते पनाहे मोमिन हैं और उनके इमाम और पेशवा हैं। ख्वाहराने अजीज, अगर हम अब्दुल्ला इब्ने जाफर की सवाने उम्री पर नजर करते हैं तो हमें ये मिलता है, मुख्तसर सा बयान करना चाहती हूँ कि जब जनाब जाफर और उनकी जोजा जनाब अस्मा हबश गए थे दीन इस्लाम की प्रोपोगेट करने के लिए, तबलीग करने के लिए, तो हबश में जनाब अब्दुल्ला की विलादत हुई है। जब जनाब अब्दुल्ला वापस आए हैं तो बचपना उनका रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में भी गुजरा है। और जब ये छोटे थे तो ये एक मर्तबा मिट्टी के खिलौने बना रहे थे। जब मिट्टी के खिलौने बना रहे थे तो उस वक्त रसूल का गुजर वहां से हुआ है, और रसूल ने जनाब अब्दुल्ला से पूछा, जो छोटे हैं, कहा कि तुम इन मिट्टी के खिलौने का क्या करोगे? जनाब अब्दुल्ला ने कहा कि मैं इन मिट्टी के खिलौनों को फरोख करना चाहता हूँ। रसूल मुस्कुराए और उनसे कहा कि क्या तुम मुझे एक खिलौना बेचोगे? जनाब अब्दुल्ला ने कहा हाँ। रसूल ने एक खिलौना लिया और कहा कि इसकी कीमत क्या है? जनाब अब्दुल्ला ने कहा इसकी कीमत 2 दिरहम है। रसूल ने अपने मुबारक हाथों से 2 दिरहम जनाब अब्दुल्ला को दिए हैं, और एक रिवायत की बिना पर ये जो 2 दिरहम जनाब अब्दुल्ला के पास थे, इसकी इतनी ज्यादा बरकत हुई है कि जब ये बड़े हुए हैं, बहुत ही बड़े ताजिर थे, बिजनेसमैन थे, और बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन काफी अरसे तक रहे हैं। क्योंकि ये बहुत बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत ज्यादा दौलत अता करी थी, और ये बहुत ही ज्यादा सखी थे। अपनी सखावत के लिए जनाब अब्दुल्ला बहुत ही ज्यादा मशहूर थे। एक मर्तबा जब मदीने में कहत आ गया है और लोगों के पास खाने को नहीं है, हम सब जानते कि जब कहत आता है तो जो दुकानदार रहते हैं अपने पास चीजों को जमा करते हैं, अपने पास जो फूड ग्रेन है उसको होल्ड करते हैं, और अगर बेचते भी हैं तो उसकी कीमत बहुत ही ज्यादा हाई होती है। जनाब अब्दुल्ला ने तमाम ग्रेन्स को खरीदा है, जितने भी खाने की चीजें थी उसको खरीदा है, अनाज को खरीदा है, और फिर उन्होंने ये चीज जो मदीने के गुरबा थे उनके दरमियान तसद्दुक कर दी है। और एक मर्तबा का वाकया है कि एक शख्स कहता है कि जब मुझे सफर पर जाना था, मेरे पास कोई साजो सामान नहीं था, मेरे पास पैसे भी नहीं थे। किसी ने कहा कि तुम अब्दुल्ला इब्ने जाफर के घर क्यों नहीं जाते? जब मैं उनके दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि वहां पर एक घोड़ा है, और मैंने देखा कि अब्दुल्ला इब्ने जाफर अपने घर से बाहर निकले हैं, और जब वो घोड़े पर सवार होना चाहते हैं, जैसी उनकी नजर मुझ पर पड़ी है, मैंने उनसे कहा कि मैं सफर का इरादा रखता हूँ, लेकिन मेरे पास सफर का कोई सामान नहीं है। जनाब अब्दुल्ला फौरन घोड़े से उतरे हैं और उन्होंने उस शख्स से कहा कि ऐ शख्स, तुम मेरे इस घोड़े को ले लो, तुम मेरे इस घोड़े पर सवार हो जाओ, और मेरी इस घोड़े की जीन में 6,000 दिरहम है, इस थैली को भी तुम ही रख लेना और इसको अपने अखराजात के लिए इस्तेमाल करना। यानी ये जनाब अब्दुल्ला की सखावत थी। और दूसरी तरफ ये है कि जनाब अब्दुल्ला बहुत ही ज्यादा निडर थे, बहुत ज्यादा बेबाक थे। उस जमाने के जो जाबिर और जुल्म जालिम हुक्मरान हैं, उनसे आप डरते नहीं थे। एक मर्तबा का वाकया है कि जब आप मुआविया के दरबार में गए हैं
और मुआविया का दरबार सजा हुआ है और अमरे आस लानतुल्लाह अलैह भी वहां पर बैठा है। और अमरे आस के बारे में लोग कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा इंसान था। ये अच्छा इंसान नहीं ख्वारान अजीज, ये तो लानतुल्लाह अलैह है। और अमरे आस के बारे में, इसकी विलादत के बारे में हमें ये मिलता है कि जब अमरे आस पैदा हुआ है तो तकरीबन 6 लोग खड़े हुए ये दावा करने के लिए कि हम इसके बाप हैं। उस जमाने में कोई डीएनए का टेस्ट तो होता नहीं था, लिहाजा क्या किया गया है, इन 6 आदमी या 8 आदमियों का खुरा डाला गया है, जिसका नाम आएगा वो अम्र का बाप होगा। लिहाजा आस का नाम आया है और ये शख्स, ये लांती अमरे आस हो गया है। अब मुआविया का दरबार सजा हुआ है और अमरे आस ने मौला अली की गुस्ताखी की नाजेबा अल्फाज कहने शुरू किए। जैसे इसने मौला अली की गुस्ताखी करी है, जनाब अब्दुल्ला को गैज व गजब आ गया। अपनी आस्तीन उलटते हुए ये अपनी कुर्सी से गैज के आलम में खड़े हुए और अमरे आस की जानिब जाकर कहा है कि ए अमरे आस, तुम खामोश हो जाओ। मुआविया ने लाख चाहा कि जनाब अब्दुल्ला को समझाए, लेकिन जनाब अब्दुल्ला मानने को तैयार नहीं है और इसी आलम में वो दरबार से बाहर निकल गए हैं। यानी दिफाए अमीरुल मोमिनीन के लिए कभी भी आप पीछे नहीं हटे हैं। अब जनाब अब्दुल्ला को जब ये खबर मिली है कि इमाम हुसैन अतीक नाम की जगह पर आए, जैसे कि मैंने कहा है, उन्होंने अपने दोनों बच्चे बेटे ओनो मोहम्मद को भेजा है और यहाँ पर जनाब अब्दुल्ला उमर साद के पास आए हैं और उमर साद से ही आकर कहा है कि ए उमर साद, तुम एक खत लिखो इमाम हुसैन के नाम और उस खत में तुम ये लिखो कि मैं इमाम हुसैन को अमान देता हूँ और वो वापस पलट आए। उसने कहा ठीक है। उमर साद ने एक खत लिखा है, अमान नामा लिखा है इमाम हुसैन के नाम, और जनाब अब्दुल्ला याहिया जो कि उमर साद का भाई है उसको लेकर इस मकाम पर आए हैं। और जब याहिया और जनाब अब्दुल्ला इमाम हुसैन की खिदमत में आए हैं और जनाब अब्दुल्ला और याहिया ने उमर साद का वो अमान नामा इमाम हुसैन की खिदमत में पेश किया है और दोनों ने इमाम हुसैन से यही कहा कि आप कूफा का सफर तर्क कर दें और वापस मक्का लौट आए। अगर आप मदीना जाना चाहें तो आप मदीना जा सकते हैं, लेकिन इमाम हुसैन ने जितना भी ये कहते थे, इमाम हुसैन ने इनकी बात को कबूल नहीं किया और इमाम हुसैन ने यही कहा है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आए हैं और उन्होंने मुझे ये हुक्म दिया है कि अब मैं तजावुज न करूं। लिहाजा हम ये देखते हैं कि जनाब अब्दुल्ला ने ओनो मोहम्मद को इमाम हुसैन के सुपुर्द कर दिया और तारीख ये बतलाती है, उलमा जो है मिंबर से ये जुमले बयान करते हैं कि जनाब अब्दुल्ला जनाब जैनब उम्मुल मसाइब की खिदमत में आए और उनसे ये कहा कि जब इमाम पर वक्त पड़े तो एक बेटे को अपनी जानिब से कुर्बान कर देना और एक बेटे को मेरी जानिब से कुर्बान कर देना। तो ये इमाम का जो दौरान सफर का एक पड़ाव है जहाँ पर अतीक नाम की जगह पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम किया है। अब आइए ख्वारान अजीज, इमाम मुख्तलिफ जगहों पर क़याम करते करते, मैं तमाम बातों का जिक्र नहीं करना चाहती हूँ, तमाम जो आपके मकामात जहाँ पर आप रुके हैं तमाम मकामात का जिक्र नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि वक्त मुख्तसर है। मैं सिर्फ 2 मकाम का जिक्र करना चाहूँगी कि एक मकाम जहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम किया है वह है वादी सुफरा। और जब इमाम वादी सुफरा में आए हैं, इमाम की मुलाकात बहुत से लोगों से हुई है और जब इमाम लोगों से मुलाकात करते थे तो इमाम अपनी नुसरत के लिए लोगों को दावत देते थे। और तारीख हमें ये बतलाती है कि जब इमाम एक मर्तबा जब अपना सफर इख्तियार कर रहे हैं तो एक शख्स इमाम हुसैन की खिदमत में आया है और इमाम हुसैन से आकर कहता है कि मौला, आप अपना जो पिराहन है उसका आप जरा बटन खोलिए। इमाम हुसैन ने जब अपना पिराहन का बटन खोला है, ये शख्स उससे पहले कहता है कि मौला, मैं आपका मोहिब हूँ, मौला मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं रोज़ा भी रखता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप ये कूफा का सफ़र इख्तियार नहीं करें। इमाम ने कहा कि मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तुम मेरी नुसरत के लिए कूफा चलो। ये कहता है कि मौला ज़रा आप अपना पिराहन खोलिए। जब मौला ने अपना पिराहन खोला है, कुर्ते का बटन खोला है, तो उसने इमाम के गले का बोसा लिया और ये शख्स इमाम हुसैन से कहता है
कि मौला मैंने देखा था कि जब आप छोटे थे आपका बचपना था, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका गले का बोसा लेते थे, मैं आपका गले का बोसा लेने के लिए आया हूँ, अब मैं आपको खुदा हाफिज कर रहा हूँ। यानी यहाँ पर इमाम उससे नुसरत के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ ये कह रहा है कि मुझे आपका गले का बोसा लेना था और उसने इमाम को खुदा हाफिज कर दिया है। ख्वाहरान अजीज, आज भी इमाम हुसैन का आखिरी वारिस इस रोए जमीन पर मौजूद है, और रोज़े क़यामत अगर किसी ने हमसे, अगर अल्लाह ताला ने हमसे ये सवाल किया कि तुम्हें इमाम की नुसरत का मौका मिला था, अपने वक्त के इमाम की नुसरत का मौका मिला था, तुमने इमाम की नुसरत के लिए क्या किया है, तो ऐसा न हो कि हमारे पास कोई जवाब नहीं हो। हमने जिस तरीके से अपनी औलादों की ट्रेनिंग करी है, ऐसा ना हो कि हमने तरबियत इस तरीके से करी है कि खुदा ना करे कि अगर हम नहीं हो और इमाम का जब ज़हूर हो और इमाम जब लब्बैक के लिए आवाज दें तो हमारी औलादे इमाम की नुसरत के लिए नहीं पहुंचे। इस तरीके से तरबियत औलाद करिए। इमाम हुसैन का सफर हमें ये एक दर्द दे रहा है कि इस तरीके से अपने बच्चों की तरबियत करिए कि जब वक्त का इमाम नुसरत के लिए पुकारे तो इमाम की नुसरत के लिए हमारी, हमें भी लब्बैक कहते हुए आगे आना चाहिए, हमारी औलादों को भी लब्बैक कह के इमाम की नुसरत के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये वादी सुफरा में क़याम किया है, इमाम की मुलाकात बहुत से लोगों से हुई है, और जब इमाम ने उन लोगों से गुफ्तगू करी है तो सिर्फ दो लोग ऐसे थे जिन्होंने जो इमाम की नुसरत के लिए तैयार हुए हैं, और वो कौन लोग थे, जिनका नाम था मुजम्मा और इबाद। ये दोनों इमाम की नुसरत के लिए तैयार हुए हैं और ये इमाम के साथ करबला आए हैं और रोज़े आशूरा शहीद हो गए हैं। और दौरान सफ़र हमने ये भी देखा है कि बहुत से लोग इमाम के हमरा हो गए थे, लेकिन जैसे जैसे ये खबर मिली है कि कूफे के लोगों ने जनाब मुस्लिम बिन अकील का साथ नहीं दिया है, जनाब मुस्लिम बिन अकील शहीद हुए हैं, तो बहुत से लोगों ने इमाम का साथ भी छोड़ दिया है, क्योंकि अब उनको ये पता लगने लगा कि जिस मकसद से हम इमाम हुसैन के साथ चले थे, यानी जो मकाम हमें दिख रहा था, दुनियावी मकाम हमें दिख रहा था, जो कूफा की हुकूमत हमें दिख रही थी, अब तो वो मकाम हमें नहीं मिलेगा, लोगों ने इमाम का साथ छोड़ दिया है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि जब इमाम ने मक्का छोड़ा है और वो इमाम के हमरा नहीं थे, लेकिन दौरान सफ़र इमाम के हमरा हो गए हैं, जैसा कि अभी मैंने इन दो हस्तियों का, इन दो शहीदों का जिक्र किया है। और दूसरे जो हस्ती है जिसका जिक्र करना चाहती हूँ वो है जनाब ज़ुहर क़ैन, और ये इनकी मुलाकात इमाम हुसैन से हुई है, और ये जरूर नाम के मकाम पर जब इमाम ने एक दिन के लिए क़याम किया है, एक रवायत कहती है कि इमाम हुसैन ने जरूर नाम की जगह पर एक दिन के लिए क़याम किया है, और यहाँ पर इमाम हुसैन की मुलाकात ज़ुहर क़ैन से होती है। और हम जानते हैं कि ज़ुहर क़ैन उस्मानी थे, और जैसे कि आलिम दीन मिंबर से फरमाते हैं कि ज़ुहर क़ैन ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को चौथा खलीफा माना है, यानी आप देखिए उनका अकीदा क्या था। और ज़ुहर क़ैन जब हज करने के लिए, ये ज़ुहर क़ैन बहुत ही शुजा थे, ये कूफा में रहते थे, अपने कबीले वालों के साथ रहते थे, इनकी जौजा का नाम था दैलम, और ज़ुहर क़ैन अपने जो कबीले वाले हैं और अपनी जौजा के साथ जब हज करके वापस पलट रहे हैं, और ये जानते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी मक्का छोड़ दिया है, और दिल ही दिल में ये सोचते हैं कि मेरी मुलाकात जो है इमाम से नहीं होना चाहिए, मेरा सामना इमाम हुसैन से नहीं होना चाहिए। और अब हम ये देखते हैं कि जब ये हज करके वापस पलट रहे थे, अभी इनकी मुलाकात इमाम हुसैन से नहीं हुई है, जब ये हज करके वापस पलट रहे थे तो उस वक्त उन्होंने अपने एक साथी से ये वाकया बयान किया है, और अपने साथी से ये कहा है कि हम लोगों ने एक जंग लड़ी है जिसका नाम है जंगे बलंजर, जब हम लोगों ने ये जंग लड़ी है तो उस जंग में हमें फतह मिली। और उस ज़माने में हम जानते हैं कि जब जंगें होती थी तो माल गनीमत भी, जो जीतने वाली पार्टी होती थी उसको माल गनीमत भी मिलता था, तो ये कहते हैं कि हमें जो जंग बलंजर है उसमें हमें फतेह मिली और हमें माल गनीमत भी मिला। जनाब सलमान जो है वो आते हैं और कहते हैं कि ए ज़ुहर क़ैन, क्या तुम अपनी इस फतेह पर खुश हो रहे हो? तो मैंने कहा कि बिल्कुल मैं अपनी इस फतेह पर खुश हो रहा हूँ। तो सलमान ने मुझसे कहा कि जब तुम शबाबा
जवान ने जन्नत के सरदार यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हम रकाब होकर जंग करोगे और तुम उनकी नुसरत करोगे, उस वक्त जो तुम्हें फतेह मिलेगी, जो खुशी उस मिलेगी, वो खुशी इस खुशी से ज्यादा होगी। यानी अभी उनकी मुलाकात इमाम हुसैन से नहीं हुई है, ये तो जब हज करके वापस आ रहे हैं तब ये बात अपने साथी से कह रहे हैं। तो अब ये जो मकाम था जिसका जिक्र मैंने किया है, मकाम जरूर, जहां पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम किया है, इमाम हुसैन ने अपने खेमे नज़्फ़ किए हैं और जनाब ज़ोहर क़ैन ने भी, उनके ग़ुलाम भी उनके साथ हैं, उनके साथी भी साथ में हैं और उन्होंने भी अपने खेमे नज़्फ़ किए हैं। और एक रवायत ये कहती है कि जब ये अपने ज़ौजा के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, जब जौजा के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं तो एक शख्स आता है इनके दरे खैमा पर और इन्हें इनसे कहता है कि इमाम हुसैन ने तुमको बुलाया है। एक रवायत ये कहती है कि उस वक्त ज़ोहर क़ैन इमाम हुसैन से मुलाकात करने के लिए नहीं गए हैं, बल्कि उनके पास एक अच्छा घोड़ा था और उन्होंने वो घोड़ा उस शख्स को दिया और कहा कि जाओ ये घोड़े को मेरी तरफ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर देना। जब ये घोड़ा इमाम हुसैन की खिदमत में लाया गया तो इमाम हुसैन ने उस शख्स से कहा कि जाओ ज़ोहर क़ैन को ये पैगाम दे दो कि मुझे इस घोड़े की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो तुमको बुलाया है। अब कासिद जब दरे खैमा पर आता है और कहता है कि हुसैन इब्ने अली ने आपको मुलाकात के लिए बुलाया है, उस वक्त ज़ोहर क़ैन अपनी ज़ौजा के साथ खाना खा रहे थे और एक रवायत कहती कुछ और साथी भी वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन जैसे ही आने वाले ने ये कहा है कि इमाम हुसैन ने तुम्हें मुलाकात के लिए बुलाया है, एक सन्नाटा सा छा गया है और उस वक्त जनाब ज़ोहर क़ैन की जो ज़ौजा जिनका नाम है दैलम, वो कहती है कि नवासा रसूल आपको बुला रहे हैं, आप जाकर उनसे मुलाकात क्यों नहीं करते। तारीख ये बतलाती है कि ज़ोहर क़ैन जब इमाम से मुलाकात के लिए जा रहे थे, थके हुए कदमों से, आपके शाने ढीले हैं, इस तरीके से इमाम से मुलाकात करने के लिए गए हैं। कई रवायतें ये कहती हैं कि नहीं मालूम कि इमाम हुसैन और जनाब ज़ोहर क़ैन के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई है, लेकिन गुफ्तगू के बाद जब ज़ोहर क़ैन अपने खेमे की जानिब वापस आ रहे हैं तो इस तरीके से आ रहे हैं कि गोया जवानी आप में आ गई है और अपनी अंगड़ाई लेते हुए खुश व खुर्रम, बड़े ही शादाब और बड़े ही तेजी से अपने खेमे की जानिब आते हैं। और जब खेमे की जानिब आते हैं, खेमे में आकर ये कहते हैं कि इमाम ने मुझे नुसरत के लिए पुकारा है, इमाम हुसैन ने मुझे नुसरत के लिए बुलाया है और मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं इमाम हुसैन की नुसरत करूंगा। और अपने साथियों से ये कहा कि जो हमारे हमराह होना चाहता है वो हमारे हमराह हो ले, यानी इमाम हुसैन के हमराह हो ले, जिसको नहीं आना है वो नहीं आए। और गुलामों को ये हुक्म दिया कि हमारे खेमों को यहाँ से उठाकर इमाम हुसैन के खेमों के किनारे पर नस्ब कर दो। और फिर अपनी ज़ौजा दैलम से ये कहा है ज़ोहर क़ैन ने कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ख्वाहरान अजीज, जैसे कि आलिम दीन मेंबर से बयान कर रहे हैं कि ज़ोहर क़ैन जानते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जाना रोज़े आशूरा यानी शहादत है और उसके बाद इद्दत का वक्त इतना होगा और उसके बाद मेरी ज़ौजा की दूसरी शादी हो सकती है, अभी तो कई दिन बाकी है, दैलम को तलाक दिया है कि मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ और बहुत सा साजो सामान दिया है और जनाब दैलम से कहा कि तुम अपने भाइयों के हमरा कूफा चली जाना। जब दैलम ने ये सुना है बहुत ज्यादा गिरिया किया है कि आप मुझे अभी तलाक दे रहे हैं, लेकिन ज़ोहर क़ैन ने अपनी ज़ौजा को तलाक दिया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हमरा हो लिए हैं। तो ख्वाहरान अजीज, अल्लाह जब चाहे जिसे हिदायत दे दे, शर्त यह है कि इंसान हिदायत को कबूल कर ले। और हमें नहीं मालूम कि अगर कोई शख्स गुमराह है तो वो कब सही रास्ते पर आ जाए, और हमें ये भी खबर नहीं कि हम सोचते हैं कि हम सिरात-ए मुस्तकीम पर हैं और न जाने ऐसा न हो कि सआदत हमसे छीन ली जाए और हम जो है जलालत की तरफ बढ़ जाए। तो हमेशा हमें यही दुआ मांगना चाहिए अपनी नमाजों में। अव्वल जो मुकद्दम दुआ है वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए होना चाहिए और दूसरी दुआ ये होना चाहिए कि परवरदिगारा तू हमारा खात्मा खैर पर करना, दीन इस्लाम पर करना, ईमान पर करना। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। रोज़े आशूरा आया है और तारीख ये बतलाती है, कई रवायतें ये बतलाती हैं कि जब
सुबह आशूर अजान अली अकबर से शुरू हुई है और जो इमाम के दूसरे सहाबी थे उन्होंने जंग करी है, लेकिन जंग कैसी थी कि एक तरफ तो दुश्मन आदा थे और दूसरी तरफ इमाम की फौज थी, लेकिन कई मरतबा ये भी देखा गया है कि जो इमाम के बनी हाशिम थे उन्होंने रूबरू बने एक बनी हाशिम जाता था और वो दुश्मन से जंग करता था। तारीख ये बतलाती है कि ज़ुहर क़ैन ने तकरीबन 150 लोगों को वासिले जहन्नम किया है, लेकिन आखिर कब तक वो ताव लाते, तकरीबन 3 दिन के भूखे प्यासे ज़ुहर क़ैन आखिर ताव नहीं ला पाए, चारों तरफ से दुश्मनों ने ज़ुहर क़ैन को घेर लिया है। आखिर ज़ुहर क़ैन पर 2 लोगों ने इस तरीके से वार किया कि ज़ुहर क़ैन अपने आप को घोड़े पर नहीं संभाल पाए, घोड़े से नीचे आए हैं और शहीद हो गए। इमाम हुसैन जब ज़ुहर क़ैन की लाश के करीब किनारे आए हैं, इमाम ने ये जुमले कहे, ऐ ज़ुहर क़ैन अल्लाह लानत करे उस कौम पर जिसने तुम्हें शहीद किया है। आज़ादारों जब लुटा हुआ काफिला करबला से वापस कूफे की जानिब आया है और दैलम को यह खबर मिली कि 9 के नैजा पर शहदा के सर आए हैं, दैलम को यह खबर मिली कि मेरे शोहर का भी सर है, अपने गुलाम को बुलाया और गुलाम से कहा, ऐ गुलाम ये कफन को ले जा और जाकर करबला में मेरे शोहर को कफन दे देना। गुलाम गया है और बहुत वक्त के बाद जब वापस आया है अपने हाथ में कफन लेकर वापस आया, दैलम ने कहा, ऐ गुलाम तूने मेरे शोहर को कफन नहीं दिया। गुलाम कहता है, अरे करबला की जमीन पर बेगौर कफन लाशें पड़े थे, मैं कैसे पहचानता कि ज़ुहरत का लाशा कौन सा है। मातम हुसैन 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 अपनी मरकद पे खड़ा अश्क बहाएगा हुसैन, अम्मा जब तक ना बुलाओगी ना आएगा हुसैन, अम्मा जब तक बुलाओगी ना आएगा हुसैन, रोकी सरवर ने कहा आँख तो खोलो अम्मा, इतनी खामोश हो क्यों मुझसे तो बोलो अम्मा, याद नाना की जो आई है तो रो लो अम्मा, थक गई हो तो जरा देर को सो लो अम्मा, अपने मरकज पे खड़ा अश्क बहाएगा हुसैन, अम्मा जब तक न भुलाओगी ना आएगा हुसैन, शाक है आपकी तुम सब पे जुदाई अम्मा, जान खोता है शहे कर वो बलाई अम्मा, चरख ने कैसी घड़ी हमको दिखाई अम्मा, हमसे हम रूठी नाना की दुहाई अम्मा, अपने मरकद पे खड़ा अश्क बहाएगा हुसैन, अम्मा जब तक न भुलाओगी ना आएगा हुसैन, अश्क आलूद फिजा गम की घटा छाई है, हर कली गुलशन सलाम की मुरझाई है, हाय किस मोड़ पे तकदीर हमें लाई है, आले अहमद ये मुसीबत की घड़ी छाई है, अपने मरकद पे खड़ा अश्क बहाएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी ना आएगा हुसैन, अभी नाना की जुदाई का अलम ताजा है, फुरकते रहमत कौनैन का गम ताजा है, कल्ब मुज़्तर में गमे शाहे उमम ताजा है, अब असीरों पे फलक का ये सितम ताजा है,
अपने मरकद पे खड़ा अश्क बहाएगा हुसैन, अम्मा जब तक ना बुलाओगी ना आएगा हुसैन, कौन बाबा को मसाइब में दिलासा देगा, हम गरीबों को भला कौन सहारा देगा, बहरे गम कैसे सफीने को सहारा देगा, ध्यान हर हाल में कौन हमको हमारा देगा, अपने मरकद पे खड़ा अश्क बहाएगा हुसैन, अम्मा जब तक ना बुलाओगी ना आएगा हुसैन, अम्मा जब तक ना बुलाओगी ना आएगा हुसैन, या हुसैन आप ज़ियारत पढ़ा दीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا وارث آدم صفة الله السلام عليك يا وارث نوح النبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد الحبيب الله السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين ولي الله السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا سار الله وابن الساره والوتر الموتور أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين ولعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة سلمتك ولعن الله أمة سمعت ذلك فرزيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرهام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مطلهمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ملتك كلمة التقوى وآلام الهدى والقربة الوسطى والحجة على أهل الدنيا فأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيابكم مؤمن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبعون صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم زيارة حضرت علي أكبر السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن نبي الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة سلمتك ولعن الله أمة سمعت ذلك فرزيت به شهداء كربلاء في زيارة السلام عليك يا أولياء الله وأحباءه السلام عليكم يا أصفياء الله وأمداه السلام عليكم يا أنصار دين الله السلام عليكم يا أنصار رسول الله السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدتي نساء العالمين السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي المدي الناصر السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما ويا ليتني كنت معكم فأفوز معكم السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس يا أيها المدفون بأرض الفوز الرزق المنتظى الرازي بالقدر والقضاء السلطان يا ربي والعجم يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا
روحی و جسمی لک الفدا و رحمت اللہ و برکاتہ. السلام علیکم یا صاحب الاسر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا مظہر الایمان. السلام علیکم یا امام زماننا حاضر. اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک و آوانک اجمعین و رحمت اللہ و برکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سب سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت تمام حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے اور تمام جو گروپس ہیں, قاریان قرآن گروپ ہے, کنیزان بی بی زینب گروپ, کنیزان بی بی سکینہ گروپ, نوئیڈا ایکسپریس وے گروپ, امامیہ گروپ, گڑگاؤں گروپ, اس کے جتنے بھی مومنین ہیں ان سب کے لیے, اور چند نام ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گی. آپ سب لوگ پلیز سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. یا اللہ, یہاں پر جو بھی سوروں کی تلاوت کی گئی, جو بھی ذکر اہل بیت ہوا, جو بھی صلواتیں پڑھی گئیں, اس سے جو بھی ثواب حاصل ہوتا ہے اس کو ہدیہ کرتے ہیں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک و پاکیزہ عطرت کی خدمت میں, اور اس سے جو ثواب حاصل ہو اس کو جناب ریاض حیدر زیدی ابن نذیر حسین صاحب, سید اکبر علی زیدی ابن سید اظہر علی, رضا حسین ابن مختار حسین, سید رضی زیدی اور سید علی زیدی ابن سید ابو محمد صاحب, سید تزیم پاشا ابن سید توفیق الحسن صاحب, رئیس فاطمہ بنت سید عابد حسین صاحب, سید اختر حسین جعفری صاحب, کنیز فاطمہ بنت سید ناظم حسین نقوی صاحب, کلب عابد صاحب ابن کلب حسین صاحب, زاکیہ بیگم بنت محمد باقر صاحب, اور حاضرین مجلس کے تمام مرحومین کو بخشتے ہیں کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, ان سے اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کو معاف فرما دے, جوارِ معصومین میں جگہ عطا کرے, داہنے ہاتھ میں نامِ اعمال کو عطا کرے, اور ہم سب جو زندہ ہیں ہمارے قدم کو ہدایت کے راستے پہ گامزن رکھے, صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے, اور یہ جو موذی مرض دنیا میں پھیلا ہوا ہے پروردگارِ عالم اس کو نیست و نابود فرما دے, تاکہ ہم پھر سے فرش عزائے امام حسین بچھا سکیں اور ذکر امام حسین کو کر سکیں, اور اس کے علاوہ جو لوگ بھی یہاں پر اپنی جن حاجات کو لے کر, جن دعاؤں کو لے کر تیری بارگاہ میں پروردگار آئے ہیں, ان تمام دعاؤں کو قبول فرما لے اور ان کی ضروریات کو پورا کر دے, اور ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما تاکہ ہم ان کے اعوان اور انصار میں شامل ہو سکیں. پروردگار, تو ویسا ہی رب ہے جیسا ہم چاہتے ہیں, ہمیں ویسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ مجلس میں شامل ہوئے. سبھی مومنات سے گزارش ہے کہ کل اسی وقت 4 بجے پابندی سے مجلس شروع کی جائے گی, تو شرکت کی گزارش ہے سب سے. دعائے فرج سب مل کے پڑھنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی حاضر سا وفی کل سا
ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلاً برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه